आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 3:20 हो रहे हैं और इतना अंधेरा है कि अभी मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है। आज हम सब जल्दी उठ गए क्योंकि मम्मी को कुर्ला स्टेशन पे छोड़ने जाना है। उनकी ट्रेन है 5:23 की, वो आज गांव जा रही हैं। मम्मी यहाँ पे पैकिंग कर रही हैं। कपड़े तो मम्मी ने शाम को ही पैक कर लिए थे, बस जो खाने के लिए ले जा रहा है वो रख रही हैं। जो हमें लेके जाएगा टैक्सी से वो भी हमारे गली गई, तो मैं सबको फ़ोन करके जगा रहा था। सब जग गए हैं, अभी 3:30 रेडी होते हैं, फिर 4 निकलते हैं। 3:35 हो रहे हैं, मैंने तो कपड़े पहन लिए और अभी राहुल और प्रमोद भाई को भी उठा देता हूँ। वैसे तो छोड़ने मैं ही जाऊँगा, लेकिन राहुल ने मुझे कहा था शाम को कि मुझे उठा देना, तो इन दोनों को भी उठा देता हूँ। वैसे टोटल 4 जा रहे हैं, मैं छोड़ने जा रहा हूँ। मम्मी हैं और 2 मामा लगते हैं, वो भी उनके साथ हैं, तो टोटल 4 हम लोग छोटी वाली टैक्सी में आ जाएंगे। ये देखिए, हमारे 3 पेड़ों की विदाई हो रही है हमारे इस घर से। अब ये 3 पेड़ जाएंगे हमारे गाँव में। 3 छोटे बड़े पेड़ को राहुल और मम्मी आराम से रख रहे हैं, ताकि ये 3 पेड़ हमारे गांव यहां से 1700 दूर आराम से पहुंच जाएं। हमारे 3 पौधे जा रहे हैं यहां पे जो थे। सुबह के 4:15 हो चुके हैं और अभी जस्ट हम लोग रोड पे आए। अब यहां से टैक्सी पकड़ के डायरेक्ट कुर्ला स्टेशन। सुबह सुबह अच्छा लगता है रोड पे, रोड खाली रहता है, सिग्नल भी नहीं रहता, मस्त तेज़ी से जाओ। राइट साइड में आप देखो, इतनी सुबह सुबह यहाँ पे मोनोरेल का कुछ काम चालू है। हम आ गए अभी ट्रेन के अंदर, अभी मामा सब सामान अंदर रख रहे हैं। आम का पेड़ तो ऊपर वाले सीट पे आ गया है यहाँ पे। चलो, मम्मी को बैठा दिया हूँ गांव के ट्रेन में S5 में, और मैं अब जा रहा हूँ लोकल स्टेशन पे, तिलक नगर स्टेशन पर। वहाँ से चला जाऊँगा वडाला। टाइम हो रहा है 5:05। ये देखिए आप, स्टेशन का नाम लोकमान तिलक टर्मिनस यानी कि LTT। सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 था और ये लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। इसी पर हमारे गाँव जाने वाली ट्रेन लगी हुई है। ये देखिए, ये जो पीछे रेड वाला लाइट जल रहा है वही ट्रेन है। ये रहा मेरा लोकल ट्रेन का टिकट, 5 का। और अभी सुबह का टाइम है तो ट्रेन भी खाली है, थोड़ा भी भीड़ नहीं है। मैं पहुंच गया वडाला और अभी टाइम हो रहा है 5:33 और अभी तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। आया था यहाँ पे बस देखने स्टेशन के बाहर चालू हुआ है कि नहीं, लेकिन वो नहीं चालू हुआ। अभी सुबह 5:30 रहे ना, चालू रहता तो यहीं पर लगता है, लेकिन शायद इतना जल्दी नहीं चालू होता। देखो आप, अभी तो पूरा खाली है, नहीं तो बहुत भीड़ रहता है। घर आ गया और राहुल और प्रमोद भाई अभी जाग रहे हैं और ये खुशी मना रहे हैं अपने गांव जाने का। अपने गांव जाएगा, कैसा टिकट मिलेगा, कैसा बेटिंग होगा, कैसे कंफर्म होगा, सब जुगाड़ लगा रहे हैं। अभी जस्ट 6 वाले हैं और मैं पानी को गुनगुना कर रहा हूँ। भी एक सुबह उठ के अगर हल्का गुनगुना पानी पियोगे तो बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए। अच्छे से हम फ्रेश भी हो जाते हैं और पेट की कोई समस्या नहीं होती जल्दी। लेकिन गुनगुना, अगर आप पतले हो तो गुनगुना, अगर आप मोटे हो तो हल्का गर्म भी पी सकते हो। ऐसे पानी निकालता हूँ और बस 30 रखता हूँ, 30 में मेरा पानी गुनगुना हो जाता है। सुबह सुबह एक बार में मैं 1 पानी आराम से पी जाता हूँ। आप सबको एक बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत दिनों बाद सुबह बहुत जल्दी उठा, लगभग 3:30 और अभी इस समय हो रहा है 6:28। भैया नहा रहे हैं और बाहर आप देख रहे हो कितना सुंदर नजारा है। रुको एक सेकंड, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ध्यान से देखो, सूर्योदय हो रहा है। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। वहाँ पे एक चिमनी जिसके ऊपर से ऐसा लग रहा है पूरा धुएं धुएं से वो वाइट कर दिया उसने आसमान को। आज मैं पहनूंगा नया वाला टी शर्ट जो मम्मी लेके आई थी। मम्मी गाँव गई तो नया टी शर्ट पहनने पर डांटेंगी नहीं, तो आज इसको घर पे ही पहनता हूँ। मैं इस मैट पे योगा करूँगा। अब तक मम्मी आ रहे, ये लोग बिस्तर रख रहे हैं तो बीच में ला रहे हैं। मम्मी इस पे करती थी क्योंकि इस पे करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इस पे मैं जब योगा करता हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये वाला टी शर्ट जितना खुशी से मैंने पहना था उतनी खुशी से इसको पैक भी कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही पहना तैसे हल्का सा इस पे वो धूल लग गया, तो इसको घर पर नहीं पहनूंगा। 9 गए हैं और मैं ऊपर वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए आया, तो ये देखिए यहाँ पे आज कितना सोना सोना लग रहा है।
तीन पौधे चले गए यहाँ के। ऊपर के रूम की सफाई हो गई, यहाँ मैंने कर लिया, और नीचे के रूम का राहुल कर रहा है। अब मैं कपड़े धो लेता हूँ। मम्मी गई गाँव तो अब सारे काम खुद करने हैं हमें ही। सारे कपड़े धो के हो गए, मुझे सिर्फ मेरे कपड़े धोने में 1 घंटे लगे। जब मम्मी घर पे नहीं रहती तब हमें वैल्यू पता चलता है आपकी माँ का, कि वो तो मेरे लिए 20-22 साल से ज़्यादा हो गए मेरे कपड़े धो रही है। हम अपनी माँ का कर्ज कभी उतार ही नहीं सकते। मुझे सिर्फ अपने कपड़े धोने में 1 घंटे लग रहे, वो तो मेरे कपड़े, मेरे क्या पूरे फैमिली के कपड़े पूरे कितने दिनों से धो रही हैं। इसलिए अगर लाइफ में हम अपनी मम्मी को खुश रख लेंगे तो वो दुनिया के सबसे बड़े कामयाबी के बराबर है, ऐसा मुझे लगता है। नीचे राहुल ने भी एकदम चकाचक कर दिया है सब, किचन सब बर्तन। राहुल हर चीज़ में मुझसे अच्छा है, वो मुझसे अच्छा सारे काम करता है, पढ़ाई में भी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काम भी सारे मुझसे बहुत अच्छे ही करता है। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल रात 8 बजे नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।